हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव। आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। प्रॉपर नोबेल प्राइज़ की यहाँ पर हम आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ, कैसे कैसे ये हिस्ट्री इसकी बनी है वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, हिस्ट्री के बैकग्राउंड के बारे में पता है, तो आप इसको वीडियो को हाफ कट करके सीधा आप आगे जाके देख सकते हैं, और ट्राई करें इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चलें। ठीक है, कैसे उनकी कहानी रही है, कैसे उनकी लाइफ रही है, कहाँ से उनको शिफ्ट करना पड़ा, कैसे उनकी स्टोरी है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्लियर। और साथ ही साथ बता दूँ, सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड बताऊंगा उनकी फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद उनकी यहाँ पे यंग एज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको यहाँ पे कैसे दूसरी कंट्री में शफल किया गया, मतलब जाना पड़ा किसी भी वजह से, और कैसे वहाँ से फिर वो वापस आके उन्होंने यहाँ पर एक न्यू रिसर्च किया जिसका रीजन बना आगे जाके नोबेल प्राइज़, क्लियर। मतलब उसकी वजह से हमारे पास नोबेल प्राइज़ का यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ है, क्लियर। और साथ ही साथ उसके बाद मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा रिलेटेड टू नोबेल प्राइज़, कैसे कैसे नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी, और किसको पहले मिला, किसको लास्ट मिला। प्रॉपर आपके यहाँ पे जीके क्वेश्चन बताऊंगा स्टैटिक, जो पेपर के अंदर आ सकते हैं या फिर आ भी चुके हैं, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज की यहाँ पे वीडियो। सबसे पहले आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, बलविंदर लाइव। टेलीग्राम के ऊपर आप जाके सर्च करो बलविंदर लाइव, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर मेरी कोई भी अपडेटेड न्यूज़ होती है, कोई भी अपडेटेड वीडियो होती है, वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और इसके अंदर आपको मैथ एंड रीजनिंग के भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि अपडेटेड मटेरियल होंगे, उनको भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आपका कोई भी डाउट होता है वहाँ पर आप डाउट अपना सेंड करके अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। तो जल्दी से इसको ज्वाइन करो। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ कि अल्फ्रेड नोबेल की लाइफ के बारे में और उनके वर्क के बारे में, जिनका बॉर्न हुआ था, जिनका जन्म हुआ था यहाँ पे स्टॉकलैंड स्वीडन, जहाँ पे अभी जो है इनके यहाँ पे नोबेल प्राइज का जो फाउंडेशन है वो यहीं पर बना हुआ है, जहाँ पर इनका घर था वहीं पर बनाया हुआ है उसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर अक्टूबर 21, 1833, क्लियर, इसको आप याद रखें। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ एक बात और कि अक्टूबर में ही, हर साल अक्टूबर में ही यहाँ पे जो भी जिसको नोबेल प्राइज़ मिलना होता है वो अक्टूबर में ही उसकी अनाउंसमेंट की जाती है, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि अक्टूबर में अनाउंसमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम इनका बॉर्न हुआ था। इनके फादर का नाम और यहाँ पे इनके मदर का नाम आपके लिए ज़रूरी बन जाएगा। मदर का नाम इतने लिए ज़रूरी नहीं होगा, बट फादर का नाम ज़रूरी है, क्योंकि ये उस टाइम के एक इंजीनियर तौर से काम कर रहे थे, जो कि बिल्डिंग बनाते हैं या फिर ब्रिज बनाते हैं, उनका यहाँ पर ये काम भी करते थे, ठीक है। तो उनकी अपनी फैक्ट्री भी थी और प्रॉपरली ये वर्क कर रहे थे वहाँ पे। और इनके अलावा इसके यहाँ पे इनके दो ब्रदर हैं जो कि इनसे यहाँ पर ओल्डर हैं, और एक रॉबर्ट है, उनका नाम यहाँ पर उनका बॉर्न हुआ था 1829 के अंदर, और दूसरे का बॉर्न हुआ था यहाँ पे 1831 के अंदर, क्लियर। और साथ ही साथ आपको मैं इसके अंदर और भी फैक्ट बताता हूँ। देखो, अगर आप इस कहानी को पूरा सीखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी, काफ़ी आपको ऑलरेडी भी आती होंगी, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि हमारी तो थोड़ी सी वीडियो ये लेंथी हो सकती है, क्योंकि मैं प्रॉपर इसको डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे हमने इन चीज़ों को पढ़ना है, कैसे नहीं, ताकि आपके दिमाग में प्रॉपरली चीज़ें वो प्रॉपरली सारा कुछ फिट हो पाए, क्लियर। और साथ ही साथ आपको इनके लिए बता दूँ, जो अल्फ्रेड नोबेल है, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता ये है कौन कौन, ठीक है, इनका यहाँ पर रियल लाइफ के अंदर क्या योगदान रहा है। सबसे पहले साइंटिस्ट, सबको पता है, इन्वेंटर थे, न्यू इन्वेंटर करते थे, 350 के प्लस इन्होंने इन्वेंशन किए हैं खुद की अपनी, ठीक है। और उसके अलावा ये एक बिजनेसमैन भी थे, और काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे, एक टाइम के इसको सबसे रिचेस्ट पर्सन भी बोला जाता है, ठीक है। रिचेस्ट पर्सन मतलब सबसे ज़्यादा इनको बिजनेसमैन बोला जाता था उस टाइम का, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग कंट्रियों के अंदर इनकी फैक्ट्री बनी हुई थी, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता था, ठीक है, एक टाइम के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ इनका जो नाम है वो इनके फादर ने और मदर ने डिसाइड करके रखा था, अल्फ्रेड नाम रखा था, और नोबेल इन्हीं के नाम से यहाँ पर इनके साथ अटैच हो गया, और आगे इन्हीं के नाम के ऊपर नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ है, क्लियर। ये आपके लिए थोड़ी सी बेसिक है। और दूसरी कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इनके यहाँ पे फादर के बारे में। फादर की बात करें तो फादर इनके ब्रिज बनाते थे, बिल्डिंग बनाते थे, और एक्सपेरिमेंट करते थे, डिफरेंट जो रॉक होते थे, बड़े बड़े रॉक्स होते थे, उनके ऊपर डिफरेंट रॉक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको तोड़ने का काम करते थे, ठीक है। तो इसी की यही एक वजह है, रॉक को तोड़ने की वजह ही यहाँ पर काफ़ी इन्होंने नए नए इन्वेंशन भी किए हैं, जो आगे जाके कहीं ना कहीं इंडिया को या फिर बाकी कंट्रीज़ को सभी को हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, इमेज, एक नोबेल फाउंडेशन ने, जो अभी नोबेल फाउंडेशन है जहाँ पर नोबेल प्राइज़ अभी मिलते हैं, ठीक है,
उन्होंने एक इमेज यहाँ पे बताई है, कुछ ऐसा इनका जो घर था वो दिखने वाला है, ठीक है, जब इनका वहाँ पे बॉर्न हुआ था तब की कहानी है, ठीक है, वो काफ़ी ओल्ड पिक है और उनके वहाँ पे इनके नोबल फाउंडेशन में ये पिक लगी भी हुई है, ठीक है। तो बाकी हम इसके आगे देखते हैं कि आगे हम और क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इनकी जो फैमिली है कुछ टाइम के बाद, ठीक है, जब यहाँ पर इनका बॉर्न होता है, बॉर्न होते ही पहले बता दो जिस दिन इनका बॉर्न हुआ था उसके आसपास ही इनका जो बिजनेस होता है फादर का वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको मूव करना पड़ता है, तो पूरी की पूरी फैमिली को इधर उधर घूमना पड़ता है, तो ये रूस के अंदर जाते हैं, ठीक है, रशिया के अंदर जाते हैं। और रशिया से जाने से पहले ये एक यहाँ पर फिनलैंड कंट्री है वहाँ पर भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है, रशिया से जाने से पहले, क्लियर। और साथ ही साथ यहाँ पे इनों का काम क्या होता था, ये मैकेनिकल की वर्कशॉप, यहाँ पर इन्होंने फैमिली को मूव कर दिया रूस के अंदर, ड्यू टू बिजनेस इनका क्लैप हो गया था, वहाँ पे ख़राब हो चुका था, और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे रूस में ट्रैवल किया। रूस में जाकर अपने पूरी की पूरी फैमिली ने घर वहाँ पे बसाया और प्रॉपरली यहाँ पर उन्होंने मैकेनिकल का यहाँ पे वर्कशॉप अपना ज्वाइन किया, जिसके अंदर इन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया इक्विपमेंट फॉर रशियन आर्मी, और रूस आर्मी के लिए ये बहुत अच्छा काम भी किया इन्होंने एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर इनको एक तरीके से बोला जाए तो रूस की एक आर्मी के लिए ना वहाँ पे एक वॉर भी चल रही थी, ठीक है, मैं आपको आगे जाके वॉर के बारे में बताता हूँ। तो वॉर के अंदर इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है रूस को, ठीक है, वहाँ पे नए नए इक्विपमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या हो सकता है, वो सारा कुछ, ठीक है। और उसी टाइम के दौरान 1843 के अंदर एक अनदर बॉय है, उसका नाम है फैमिली के अंदर एमिल, ये इसका बॉर्न होता है, ठीक है, ये चार ब्रदर हो जाते हैं और चारों ब्रदर की यहाँ पर एजुकेशन जो होती है वो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल से चलती है, ठीक है। चार जो पर्सन है नोबल ब्रदर, इनको बोला जाता था उस टाइम का फोर नोबल ब्रदर्स, ठीक है, नोबल ब्रदर बोलते थे इसको, और इनकी फर्स्ट क्लास एजुकेशन थी, प्राइवेट ट्यूटर से इनको मिलती थी, प्राइवेट ट्यूचर मतलब टीचर मतलब यहाँ पे इनको घर पे जाके पढ़ाया जाता था उस टाइम के अंदर, ठीक है, मतलब आप सोच सकते हो कि काफ़ी रिचेस्ट पर्सन रहे होंगे उस टाइम के ये, तभी यहाँ पे ऐसा काम हो रहा था, क्योंकि उस टाइम एक लैंग्वेज आना बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम जब इनकी उम्र यहाँ पे 17 थी, किनकी, एल्फ्रेड की, तो इनको बोलना भी और लिखना भी आता था स्वीडिश, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन एट द एज ऑफ 17 ड्यू टू प्राइवेट ट्यूटर्स, ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड की क्लासें वहाँ पे प्रोवाइड होती थी, ठीक। ये आपके लिए कई बार क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ऐसे कितने लैंग्वेज थी, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे, ठीक। और वहाँ पे क्या होता है फिर कि यहाँ पर एक इनकी यहाँ पे वॉर होती है, ठीक है, मैं आपको वॉर का नाम भी बोल देता हूँ, क्रिमिन वॉर वॉर होती है 1853 से 1856 के अंदर, ठीक है। उस वॉर के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है काम किया था, इनके पिता ने रूशियन को हेल्प किया था, रूस की वॉर थी वो क्रिमियन वॉर के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ एल्फ्रेड को यहाँ पर इसकी वजह से भी, और इनको अपनी एजुकेशन को थोड़ा और स्टैंडर्ड की वजह से, इनके फादर ने इनको कभी यहाँ पे प्रेशर नहीं किया कि तुम यहाँ पर इसी लाइन में आओ, तुम यहाँ पे पोइट्री करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इनको पोइट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो बाकी इनकी कहानियाँ ऐसे बहुत हैं कि ऐसा काम इनको कभी फोर्स ही नहीं किया गया फादर से, तो फादर इनको बोलते थे जो काम करना है तुम कर सकते हो, तुम्हें इसकी पूरा प्रॉपर आज़ादी है, जिसकी वजह से एल्फ्रेड ने बोला कि मैं यहाँ पे अब्रॉड में जाके अपनी और भी यहाँ पे एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्योंकि इनका साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, स्पेशली केमिस्ट्री में इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे बाहर जाना पड़ा। और वहाँ पे जाके इन्हें उन्हें एब्रॉड के अंदर जाके काफ़ी काम और भी किए थे, जैसे एक आपको यहाँ पे केमिस्ट का नाम बताता हूँ, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पर यहाँ पर तीन पर्सन की बात करते हैं, पहले मैं इनके नाम आपको लिखवा देता हूँ, आप इनके नाम याद कर सकते हैं, आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे ये, और इससे आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि एफ्रेड के जो फादर थे उन्होंने बोल दिया था कि तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम बाहर जाके कुछ भी अपनी कहानियाँ सीख सकते हो, नहीं तो एल्फ्रेड जो है वो पेरिस गए थे, ठीक है, पेरिस गए थे, पेरिस में जाकर उन्होंने ये वाले जो प्रोफेसर थे टीजे प्लोंजे, यहाँ पर इन प्रोफेसर के एक लैब थी, ठीक है, इस लैब के अंदर इन्होंने प्राइवेट काम करना शुरू कर दिया था एज ए प्राइवेट वर्कर, क्लियर, प्राइवेट काम करना शुरू कर दिया था। और वहाँ पर एक केमिस्ट से जिन्होंने ऑलरेडी एक यहाँ पर एक लिक्विड था, केमिस्ट लिक्विड था, उसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, जब भी उस लिक्विड को थोड़ा सा हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते भी थे तो ब्लास्ट हो जाता था वो, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना भी बहुत परेशानी में हो रहा था, तो उसके ऊपर काम ऑलरेडी ये पर्सन कर रहे थे। बट एल्फ्रेड ने क्या बोला कि इनके साथ इन्होंने ज्वाइन करना है, ठीक है, इन्होंने अपनी यहाँ पर ज्वाइन करने की बात की, और इसकी वजह से इन दोनों ने मिलकर वहाँ पर काफ़ी सर्च किया इसके ऊपर कि यार हम उस लिक्विड को थोड़ा बना दें, उस लिक्विड को नाइट्रोग्लोरिसिन बोला जाता है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, आप इसको याद रख लो, नाइट्रो क्लोरसिन, ये उस लिक्विड का नाम था उस टाइम का,
ठीक है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन वगैरह आप उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी नहीं है, बट आप याद रखें कि कौन सा लिक्विड था जो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो उनका नाम है यहाँ पे नाइट्रो। तो यहाँ पर इस लिक्विड को थोड़ा सा ध्यान से लेकर, टेक्निकल तरीके से लेकर कि हम इसको कुछ ऐसा यूज़ करें जिसका कमर्शियली भी हमारे पास बेनिफिट हो, और साथ ही साथ हमें उसे क्या करना है, हमने अपनी मतलब अपनी लाइफ के, जैसे हमारे पास रॉक्स हैं ड्यू टू, क्योंकि इनको पता था कि हमारा काम रॉक का है, तो हमने रॉक्स को भी तोड़ना बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इनका ध्यान सारा का सारा इसके ऊपर था कि इन्होंने रॉक्स को तोड़ना है, इनका बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं था कि ये आगे जाकर कोई डायनामाइट टाइप या कुछ ब्लास्टिंग सिस्टम बन सकता है जो कोई वॉर में भी यूज़ हो सकता है। इनको इसके बारे में खुद भी नहीं पता था, इन्होंने सिर्फ रॉक्स के बारे में इसको बनाने के लिए सोचा था, और इसके लिए इन्होंने दोनों ने काफ़ी कॉम्बिनेशन के ऊपर यहाँ पे काम किया, क्लियर। और साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद जो भी इनकी पेरिस के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से अपनी जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट की, तो इनको दोबारा वापस आना पड़ा स्वीडन में, ठीक है। स्वीडन में क्या हुआ, यहाँ पर ये जब यहाँ पे वापस आते हैं स्वीडन में, स्वीडन में आते आते इन्होंने बोला 1863 इन्होंने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अपने अपने रिजल्ट इन्होंने स्टार्ट कर दिए, मतलब स्वीडन में आके इन्होंने तब भी वहाँ पर, ऐसा नहीं कि वहाँ पर अपना काम रोक दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, नहीं, वहाँ पर इन्होंने तब भी काम करना शुरू किया। और ये जब स्वीडन आए थे तो भी यहाँ पर क्रीमियन, मैं लिख देता हूँ नहीं तो आगे जाकर डिस्कस करूँगा, बिल्कुल लास्ट में बताएंगे इस वॉर के बारे में क्या हुआ था, इस वॉर के अंदर बिल्कुल वीडियो के एंड में देखेंगे, ठीक है। क्रीमियन वॉर के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर क्रीमियन वॉर के अंदर उनको जब ये एंड हो चुका था तब ये वापस आए थे स्वीडन में, क्लियर। तो याद रखना इसके आफ्टर, ऐसा नहीं कि एकदम आफ्टर, इसके चार या दो या चार साल के अंदर अंदर ये वापस आ गए थे। पूरी की पूरी फैमिली वापस आना चाहती थी, बट जो इनके दो ओल्डर ब्रदर मैंने आपको पहले बताए थे, एमिल के अलावा जो दो ब्रदर थे, वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे स्वीडन नहीं जा रहे, हम अपना जो बिजनेस यहाँ पर आपने अभी सेटअप किया, इसके फादर ने रशियन को इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाने का, वो वही संभालेंगे, और बाकी सारी की सारी फैमिली वापस आ जाती है स्वीडन के अंदर, क्लियर। वहाँ पर उन्होंने 1863 के अंदर यहाँ पर नए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए, नया काम स्टार्ट कर दिया कि चल जो हमारा काम था उसको दोबारा से हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो एल्फ्रेड ने क्या किया, यहाँ पर भी इनके जो नाइट्रो वाला जो हमारे पास केमिकल था उसके ऊपर इन्होंने फिर से यहाँ पर एक्सप्लोजिव करने स्टार्ट कर दिए। हुआ ऐसे कि यहाँ पर जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो गवर्नमेंट को इनके एक्सपेरिमेंट पहले तो ठीक ठाक लग रहे थे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यू हो जाएगा शायद, ठीक है, न्यू इन्वेंशन हो सकती है, क्योंकि इनका नाम बहुत है, इन्होंने काफ़ी आविष्कार ऑलरेडी अब तक तो कर दिए थे। और ये एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पर 1863 के अंदर, तो वहाँ पर जो उसके एक्सपेरिमेंट करने वाले पर्सन थे, पीपल थे जो इनके साथ काम कर रहे थे, एक्सप्लोज इतना बड़ा हुआ उनकी यहाँ पर जान चली गई, ठीक है। दूसरे एक इसके जो ब्रदर थे एमिल, उनकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है, क्लियर। और खुद यहाँ पर एल्फ्रेड को भी यहाँ पे भारी यहाँ पे नुकसान होता है, उनको भी यहाँ पे चोट वगैरह लगती है, ठीक है, इस इस ब्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी वजह से ही यहाँ पे डेथ हुई। अभी यहाँ पे जब डेथ हो जाती है तो इनको और भी यहाँ पे झटका लगता है एल्फ्रेड को कि यार अभी तो जाने जा चुकी है, अभी तो मुझे यहाँ पर और भी काम करना ही पड़ेगा ताकि इसको मैं क्लियर कर सकूँ, मतलब इसके एक्सपेरिमेंट को मैं इंजाम के ऊपर दे सकूँ। और इसी के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर नहीं करने, हमारी कंट्री से बाहर जाके कर सकते हो, तो उन्होंने प्रॉपर बैन लगा दिया था इनके ऊपर, ठीक है। और लोगों ने इतना इनको बोला था कि तुम मौत के मसीहा हो, तुमने मौत लिया है, ऐसे बहुत सी इनके ऊपर न्यूज़ चलनी उसी टाइम स्टार्ट हो गई थी कि तुम्हारी वजह से जाने जा रही, क्लियर। इनको काफी यहां पर टारगेट किया जाता था उस टाइम के जो भी न्यूज वगैरह होंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर एक एल्फ्रेड ने, एक लेक है काफी फेमस है बाग लेक जो स्वीडन में अभी भी है, और वहां पे जाके 1864 के अंदर इन्होंने फिर से यहां पर इस लेक के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि ये रुक गए, काफ़ी इन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके रिलेटेड, बट इन्होंने प्रॉपर यहाँ पर फिर से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और इन्होंने एक ऐसा काम किया कि यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर वो जो आज की हमारी जितनी भी मिसाइल होगी, जितने भी बम हो गए, क्रैकर्स हो गए, ठीक है, जो दिवाली में आप चला रहे हो, वो सारे का सारा एक इनका दिन माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसी नाइट्रो जो लिक्विड था इसी को स्टोर करने के लिए एक नया इन्वेंशन किया, ठीक है। तो इन्होंने एक इन्वेंशन किया जिसका नाम रखा गया डायनामाइट, क्लियर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मिक्सिंग किया नाइट्रो के साथ एक यहाँ पर फाइन सैंड को, फाइन सैंड जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जब इसके साथ मिक्स किया गया, जो इसका लिक्विड था इसके साथ मिक्स करने के बाद इसको पेस्ट बना लिया गया, ठीक है। तो पेस्ट बनाने के बाद इन्होंने इन्वेंशन कर दिया यहाँ पर डायनामाइट का, जो कि 1866
सिक्स में हो चुका है। और यहाँ पे इस पेस्ट को ऐसे बनाया गया कि जो भी रॉड होगी, जैसे आपके दिमाग में रॉड आ रहा है तो रॉड के अंदर इसको पेस्ट को फिल कर सकते थे और ब्लास्ट नहीं होता था, ठीक है। रॉड के अगर आप इस लिक्विड को सिर्फ यहाँ पर फिल कर दोगे तो ये यहाँ पर इसका ब्लास्ट हो जाता था, ठीक है, छोटा सा मोटा सा, तो ये लिक्विड ख़त्म ही हो जाता था। बट इस डायनामाइट की वजह से जब ये पेस्ट बन गया तो इसको यूज़ किया गया डिफरेंट डिफरेंट रॉड के साथ, ठीक है। इन्होंने एक और इन्वेंशन किया, इनका नाम कभी यहाँ पर बहुत कम लिया जाता है, ब्लास्टिंग कैप और डेटोनेटर। डेटोनेटर इज़ व्हाट लाइक, जो भी हमारे पास पहले तो ये देखो रॉड है, रॉड के अंदर फिल करने के लिए हम डायनामाइट यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम डेटोनेटर बोल देंगे। इसको भी इन्होंने इन्वेंशन कर दिया था उसी टाइम के अंदर। ये आप सबको क्रैकर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो क्रैकर्स से आप इनका ले सकते हैं, इसके बारे में ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। और ये इन्वेंशन किया था इन्होंने उसी टाइम, उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी इन्वेंशन कर दिया था। और इनका ये मानना था कि हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, बड़े बड़े जो रॉक्स होते थे जो ब्रिज बनाने में हमें प्रॉब्लम करते थे, या जिनको तोड़ते तोड़ते हमें काफ़ी टाइम लग जाता था, एक साल दो साल लग जाते थे, क्योंकि उस टाइम पहले कुछ होता नहीं था, तो हम नॉर्मल जो थोड़ी होती थी उसी से हमारा यहाँ पर काम चलता था, ठीक है। ये बाद में सारा इन्वेंशन हुआ है जितना भी हुआ है। तो इन्होंने बोला कि हम इसकी वजह से बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल भी था उस टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं कि यूज़फुल नहीं था, उस टाइम भी यूज़फुल था। और उसी टाइम यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन की भी यहाँ पर इन्वेंशन हुई थी, डायमंड ड्रिलिंग, ठीक है। तो डायमंड ड्रिलिंग से क्या हुआ उसी टाइम, ठीक है, इन्होंने नहीं की थी, बट डायमंड, क्योंकि बाकी भी कंट्री के अंदर सर्च हो रही है तो वहाँ पर इसके साथ साथ डायमंड ड्रिल की भी यहाँ पे रिसर्च हुई। व्हाट इज़ डायमंड ड्रिल, एंड एक आपके पास न्यूमैटिक, न्यूमैटिक ड्रिल, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल सेंटरलिंग करते हो तो आपको न्यूमैटिक या डायमंड का पता होगा, नहीं पता तो सिंपल सा याद रखो, कोई भी आप लोहे की मेटल के अंदर, आयरन की मेटल के अंदर नॉर्मली होल कर सकते हो, और डायमंड ड्रिल भी काफ़ी यूज़फुल है और ये भी काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास जो भी आयरन का बड़ा पीस होता था वहाँ पर हम यहाँ पे होल करके इन रॉड को एडजस्ट करवा के थोड़ी इनको बड़ी क्वांटिटी में रख सकते थे, ठीक है, जिससे क्या होता था कि हमारे स्क्योर होना जरूरी हो गया था ये वाला, कि ब्लास्ट हमारा होगा नहीं, अगर होगा तो भी स्क्योर होगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसको यहाँ पे आसानी होगी, क्लियर। और इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री इंस्टॉल कर दी, इसी की वजह से यहाँ पर इन्होंने, इनके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर जब भी यहाँ पर ये हमारे पास इन्वेंशन हो चुकी है, जब ये इन्वेंशन हो चुकी है, इसके बाद इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्री इंस्टॉल कर दी है फॉरेन के अंदर, जिसके अंदर एक नाम मैं लेता हूँ यहाँ पे स्वीडन, मैं सारी कंट्री के बारे में नहीं लिख रहा, बट काफ़ी इन्होंने 25 के प्लस यहाँ पे 20 कंट्री के अंदर इन्होंने की फैक्ट्रीज वहाँ पे थी, स्वीडन, जर्मनी, ठीक, और स्वीडन के दूसरे एरिया इटली, फ्रांस, स्कॉटलैंड, इनके अंदर इनकी फेमस फैक्ट्री थी, ठीक है। और इसके आविष्कार के साथ इनके पास टोटल 355 पेटेंट थे, जो इनके खुद के थे, कि इन्होंने खुद के मतलब इन्होंने खुद इन्वेंट किए हैं, ठीक है, 355 पेटेंट खुद के, ठीक है, अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम था इनका, पूरी दुनिया के अंदर उसी टाइम नाम यहाँ पे हो चुका था कि यार इन्होंने काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम किया ये वो चीज़ें। और जब यहाँ पे स्वीडन में भी इन्होंने काम देखना है, जर्मनी में देखना है, इनको ट्रैवल करना बहुत बढ़ता था, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे यूरोप का रिचेस्ट वैगाबॉन्ड बोला जाता था, ठीक है, रिचेस्ट वैगाबॉन्ड। और यहाँ पर ट्रैवलिंग करने वाले काफ़ी यहाँ पर पर्सनों में से इनका नाम आना स्टार्ट हो चुका था उस टाइम, बट आज के ज़माने में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हुआ, बट उस टाइम की बात कर रहे हैं, क्लियर। और इनकी वजह से यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इनकम भी अपनी यहाँ पे जनरेट की, और इनकम को भी यहाँ पर इन्होंने काफ़ी यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, क्लियर। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दूँ, इनकी यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट इन्होंने साइंटिफिक रबड़ के ऊपर किए हैं, ठीक है, लेदर के ऊपर किए हैं, आर्टिफिशियल सिल्क के ऊपर किए हैं, तो काफ़ी इन्होंने और भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। और यहाँ पर इन्होंने टोटल 90 के प्लस अपनी फैक्ट्रियाँ इंस्टॉल कर दी थी इस टाइम, ठीक। अब इनकी आती है कहानी कि इनकी डेथ कब होती है, इनकी डेथ होती है यहाँ पे 1896 की, 1896 में 10th of December को, ये अगर नहीं पता किसी को, 10th of December को ही नोबेल प्राइज जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दिए जाते हैं। अक्टूबर में इनका बॉर्न होता है, अक्टूबर में क्या होता है, इनकी अनाउंसमेंट करवाई जाती है आजकल भी, और 10 दिसंबर को इनका यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिनको भी यहाँ पे देना होता है वो यहाँ पर नोबेल प्राइज वहाँ पे इनको दिया जाता है, क्लियर। अब हुआ क्या, इनकी लाइफ के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, जब भी यहाँ पर ये चीज़ बना लेते हैं और 90 कंट्री के अंदर इसका प्रॉपरली सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, 20 कंट्री के प्लस 90 प्लस फैक्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर इसका मिसयूज़ होना शुरू हो गया। मिसयूज़ होना क्या शुरू हो गया कि इसको क्या किया, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को जब सप्लाई किया तो किसी ने किसी के ऊपर बम फोड़ दिया, किसी ने किसी को मार दिया, ऐसा काम होना स्टार्ट हो गया उस टाइम, ठीक है। तो इनको लगा यार मैंने कुछ आविष्कार किसी और चीज़ के लिए और गलत हो गया काम, ठीक है। तो इन्होंने एक पर्सन थे, यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है, इनका भी छोटा सा रोल नहीं है, इनका भी एक अच्छा रोल रहता है इनकी लाइफ के ऊपर, जो कि इनको मिले थे
इन कहीं ना कहीं और लाइफ के अंदर, और इनके एक अच्छे दोस्त बने थे, ठीक है, और इनके सेक्रेटरी भी थे, न्यूज़पेपर वाले भी थे ये काफ़ी, इनका इसको ऑस्ट्रेलियन लेडी का नाम भी बोला जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन लेडी उस टाइम के, आजकल तो काफ़ी बच्चों को इनका नाम नहीं याद होगा मे बी, बट अगर उन कंट्री के अंदर जाके पूछोगे तो इन ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम के ये न्यूज़ एंकर हैं। और वहाँ पर क्या हुआ, इनके साथ जब इनका यहाँ पर थोड़ा इनका अच्छा फ्रेंड सर्कल चला, यहाँ पे फ्रेंडशिप इनकी हुई यहाँ पे, तो इन्होंने इनको खत लिखे, उस टाइम यहाँ पे लेटर लिखते थे, तो इन्होंने लेटर लिखते थे इनसे बात करने के लिए, ठीक है, और वापस ये कभी आते थे, कभी यहाँ पर इनके लेटर आते थे, पहुँचते थे, नहीं पहुँचते थे लेटर, तो उसकी कहानी अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा प्रॉपर। तो सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इनकी पहली बात तो अल्फ्रेड की फैमिली बहुत दूर हो चुकी थी इनसे, क्योंकि इन्होंने आविष्कार करने में अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दी, तो फैमिली से दूर होना पड़ा थोड़ा सा काम की वजह से। और दूसरा, इन्होंने जब इनके साथ लेटर लिखे ना, तो लेटर के अंदर इन्होंने अपना यहाँ पर बताया कि यार मेरे से ऐसा ऐसा काम हो रहा है और मुझे यहाँ पे ना अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने जो काम किया, जितनी भी मेरी इनकम है, जितना भी मैंने आज तक कमाए हैं पैसे इनसे, तो मैं सारे के सारे डोनेट करना चाहता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर मैं मर भी जाता हूँ, क्योंकि इनको यहाँ पर इनको पता ही था कि अभी यहाँ पर लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, तो डेथ होने वाली थी, तो इनको उस टाइम का पता थोड़ा बहुत लग ही गया था, तो इसने इनको मैसेज लेटर देकर बोल दिया था कि तुम ऐसा करना कि अगर मैं मर जाता हूँ, मेरे मरने से पहले अगर मैं कर गया तो ठीक है, नहीं तो तुम इस चीज़ को ज़रूर कर देना, जो भी मेरे पास पैसा आएगा उस पैसे को, जो भी दुनिया के अंदर अच्छे कैटेगरी वाले होंगे, इन्होंने कैटेगरी अनाउंस प्रॉपरली नहीं किया था, इन्होंने बोला था कि जो कैटेगरी तुम्हें लगता है साइंटिस्ट फेक्ट के अंदर, इन्होंने यहाँ पे 5 कैटेगरी प्रोवाइड करवाई थी, मैं आगे जाके बताऊँगा, तो 6 कैटेगरी बाद में हमने बनाई थी, तो 5 कैटेगरी के अंदर इन्होंने बोला कि इस जो भी साइंटिफिक तरीके से दुनिया के लिए अच्छा काम करेगा, कोई बंदा अगर पीस के लिए काम करेगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करेगी, जितना मैंने पैसा दिया है तुम्हें, सारा का सारा पैसा उनकी एक फाउंडेशन के थ्रू उनको एक प्राइज डिनोट कर दो कि तुम्हें इतने का प्राइज मिल जाएगा, ठीक है, अगर तुम अच्छा काम करते हो अपनी लाइफ के अंदर, क्लियर। तो इन्होंने अपनी इनकम जो भी थी वो यहाँ पर प्राइज डोनेट करने में लगा दी, जिसी से बना है नोबल फाउंडेशन, इसी से नोबल फाउंडेशन बना है, जो कि आजकल प्राइस आपको सेपरेट सेपरेट करके दे रहा है, क्लियर। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला था कि जो भी मेरा पास होगा और इसको प्रमोट तुमने करना है, आगे अगर मैं मर जाऊंगा तो तुमने सारा कुछ देखना है, ठीक है। तो आई होप इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। और साथ ही साथ इनकी मैं यहाँ पर एक फेमस बुक है, उस टाइम की फेमस बुक है, उस फेमस बुक का नाम है ले डाउन योर आर्म्स, क्लियर। वहाँ पर इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया कि कैसा कैसा वो खत आया था और क्या चीज़ें वहाँ पे लिखी थी, और इसे लेटर के अंदर प्रॉपर लिखा हुआ था कि नोबेल प्राइज़ यहाँ पे अनाउंस होंगे और प्राइज़ दिए जाएंगे किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रमोशन के यहाँ पर करेंगे पीस को भी और ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने भी ह्यूमैनिटी के लिए काम किया बट आने वाले टाइम के अंदर उसका मिसयूज़ हुआ, तो वो एक अलग कंसेप्ट है, क्लियर। और इनका यहाँ पे आपको फोटो जो है ये फाउंडेशन नोबेल फाउंडेशन ही प्रोवाइड की है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, क्लियर। नोबेल फाउंडेशन में काफ़ी कुछ यहाँ पे अभी इसके बारे में और भी है जो हमें आने वाले टाइम के अंदर दिखने को दिख सकता है। और साथ ही साथ आपको आगे की न्यूज़ बताते हैं अभी। अब हुआ क्या, अल्फ्रेड की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, कहाँ पे, इटली में, क्लियर। कब हुई थी, 10th ऑफ दिसंबर को 1896, क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, कहाँ पे, इटली में, कब, 10th ऑफ दिसंबर को। अब ये भी पूछा जाता है 10th ऑफ दिसंबर को अगर डेथ हुई है तो 10th ऑफ दिसंबर को ही नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, बिल्कुल नोबेल प्राइज़ आपके 10th ऑफ दिसंबर को ही प्रोवाइड होते हैं, ये आप प्रॉपरली याद रख सकते हैं, क्लियर। और साथ ही साथ इसके हम 2-3 पॉइंट और भी देखते हैं, अभी हम इसके बाद करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट। 4 ईयर लग गए यहाँ पे, 4 साल इनकी डेथ के 4 साल बाद, ऐसा नहीं कि उसी टाइम यहाँ पे हो गया, 4 साल बाद इनके यहाँ पर प्रॉपरली जो था अल्फ्रेड को पहले तो फॉलो नहीं कर रहा था कोई भी, ठीक है, उनकी विश क्या थी क्या नहीं, तो धीरे धीरे सारी की सारी पार्टियाँ उनकी जो भी उनकी विश थी उनको पूरा करने में लग चुके हैं। और यहाँ पे 4 साल के बाद 1900 में प्रॉपर जाकर यहाँ पे ये बन चुका था कि यहाँ पर 1901 में कि यहाँ पर हम नोबेल प्राइज प्रोवाइड करेंगे। तो पहली बार नोबेल प्राइज कब देने स्टार्ट हुए थे, 1901 में, क्लियर। इसको भी आप प्रॉपरली याद रखना, कब पहली बार नोबेल प्राइज दिया, 1905, आफ्टर दी 4 ईयर ऑफ हिज डेथ, क्लियर। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोल दिया था और इस पर्सन ने आके, इस लेडी ने आके बोल दिया कि चलो ऐसा कर लेते हैं, इन्होंने बताया था तो हम ऐसा स्टार्ट कर लेंगे, बट ऐसा सारा कुछ रॉन्ग था, ऐसा गलत हो गया था। अगर वहाँ पर एक बार भी माना जाता तो इनके जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी इनके यहाँ पे ओपोजिशन से, उन्होंने बहुत क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, सभी कंट्री, एक कंट्री नहीं, डिफरेंट, क्योंकि 20+ कंट्रियाँ थी, तो हर एक कंट्री ने बोल दिया यार ऐसा कैसे ये नोबेल प्राइज़ ये वो, ठीक है, काफ़ी यहाँ पर इनका विद्रोह भी हुआ, बट एट लास्ट यहाँ पे धीरे धीरे बाकी कंट्रियों की यहाँ पर कुछ ने मान लिया कि चलो फॉलो करना पड़ेगा, तो उन्होंने जब फॉलो किया तो ये बाकी कंट्रियों को भी अपने आप फॉलो करना पड़ गया, और आज ये दुनिया का सबसे एक बिगेस्ट है। तो 1901 के अंदर यहाँ पे पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला, और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री
और यहाँ पे मेडिसिन और लिटरेचर जो इनके अवार्ड हैं यहाँ पे, इन अवार्ड की बात करें ये स्वीडन में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और यहाँ पर एक पीस प्राइज अवार्ड है जो कि न्यू नाउ ऑस्लो के नाम से है, उस टाइम इसका नाम यहाँ पे क्रिस्टीनिया था और अभी ऑस्लो से नाम से जाना जाता है, तो ऑस्लो नॉर्वे जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, पेपर के अंदर बहुत बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है, पीस प्राइस कहाँ पे मिलते हैं, ऑस्लो नॉर्वे में, और बाकी सारे मिलते हैं यहाँ पे स्वीडन स्कॉटलैंड में। क्लियर, आप इसको प्रॉपरली याद रखेंगे। अब कहानी आती है ये पहली, थोड़ी सी फोटो यहाँ पे ब्लर आ रही होगी, आपको दिखना थोड़ा कम रहा होगा, ये 1901 का वहाँ पर जो हॉल बना था फाउंडेशन का वो बना हुआ है। आजकल का फाउंडेशन का हॉल देखोगे तो आजकल का फाउंडेशन मैंने अभी पिक नहीं उठाई, आप उसको गूगल करके चेक कर लेना। फाउंडेशन का जो नॉवल फाउंडेशन है आजकल का मॉडर्न हॉल बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है और काफ़ी अच्छा भी है। ठीक है, ये उस टाइम का सबसे बेस्ट था और काफ़ी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे पर्सन ऐड हो सकते थे, आज के जो है आज भी काफ़ी पर्सन ऐड हो सकते हैं। क्लियर, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसके कुछ ना कुछ फैक्ट। ठीक है, 1901 के अंदर किन किन को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला है, तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आपने क्या करना है, आपने इनके नाम को ही याद करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनके नाम यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, तो आप इनके सिर्फ नाम याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर इनके प्रॉपरली याद कर सकते हो। बस याद रखना पीस प्राइज़ यहाँ पर 2 को 1 बार मिल गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक ही पीस प्राइज़ था और यहाँ पर ये 2 पर्सन को मिला था 1 और 2। क्लियर, बाकी आप प्रॉपरली इनके नाम जो है वो याद कर सकते हैं जिनको फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ मिला था। क्लियर, और हम इंडियन को किन किन को मिला है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आती है कहानी यहाँ पर इनकी वॉर के बारे में। मैंने बोला था आपको वॉर के बारे में हम लास्ट में देखेंगे क्या हुआ था वॉर के अंदर, वॉर के किस किस के अंदर हुआ था, यहाँ पे रूस के अंदर और टर्की के अंदर। क्लियर, कहाँ से हुआ था, 1853 एंड 1856 के बीच में, और यहाँ पर रूस एंड टर्की के अंदर हुआ था। रूस ने काफ़ी एरिया जो है उनका जो रूस का था वो यहाँ पे टर्की का वहाँ पर इन्होंने कंट्रोल में ले लिया था। जो ये टर्की का कंट्रोल करने वाला एरिया था वो कहाँ, कौन पहले कौन कंट्रोल करता था, क्रीमिया, क्रीमिया ब्रिटेन। तो इसके बाद यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस एंड यहाँ पर कुछ पर्सन और इन्होंने ज्वाइन किया टर्की को, और जो अगेंस्ट है रूस के वहाँ पे ज्वाइन कर दिया और अपने इस लड़ाई को यहाँ पे विजय हासिल कर ली। क्लियर, इसको नाम को आप याद रखना, क्रीमियन वॉर कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। क्लियर, और नेक्स्ट कहानी हम चलते हैं यहाँ पर, अगर मैं बताऊँ कि क्रीमियन है कहाँ पर तो इसके फोटो से आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, फोटो के अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं कि टर्की यहाँ पे, और यहाँ पे इस कहानी के बारे में जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर लड़ाई हुई थी और रूस आपको पहले ही पता है, रूस यहाँ पे है और यहाँ पर इसके साथ बाकी पोर्शन है। क्लियर, और आपको एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता देता हूँ कि अभी ऐसा भी है कि जो वर्ल्ड मैप है उसके ऊपर भी एक पर्सन है, उन्होंने काफ़ी मुद्दा उठाया हुआ है इसके ऊपर भी कि जो वर्ल्ड मैप है वहाँ पर उसके जो मैप है, मैप के अंदर यहाँ पर जैसे इजिप्ट का एरिया इतना दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इजिप्ट का एरिया है, बट वाकई में इजिप्ट यहाँ पर लीबेरिया से छोटा बड़ा है क्या? जैसे अल्जीरिया, अल्जीरिया आपको दिखने में लग रहा होगा कि यहाँ पर इससे बड़ा है, चट से बड़ा है। ठीक है, बट क्या वाकई में ये लैंड बड़ा भी है इतना या दिखाने में बड़ा किया हुआ है? मतलब इंडिया जो है, इंडिया वाकई में पाकिस्तान से बड़ा भी है या फिर लैंड में छोटा ही है, ये दिखाने में दे रखा है थे। ठीक है, तो उन्होंने इसके ऊपर मुद्दा उठाया हुआ है क्योंकि उसने कुछ कंट्री को जहाँ पर मेजरमेंट की है और वहाँ पर खुद उसने बताया कि जैसे कंट्रियाँ दिखा रखी हैं छोटी बड़ी, वैसे है नहीं है, कुछ कंट्रियाँ वाकई में छोटी हैं और कुछ कंट्रियाँ बड़ी हुई हैं। ठीक है, उसका यहाँ पर अभी थोड़ा मुद्दा उठा हुआ है। ठीक है, वो हमारे कंसेप्ट से बाहर है, मैंने वैसे आपको बताया, आप जाके उसको भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, वर्ल्ड मैप के ऊपर उसने यहाँ पे मुद्दा उठाया। क्लियर, और यहाँ पे नोबेल प्राइज़ हैं, टोटल नोबेल प्राइज़ जो अभी तक मिल चुके हैं 1901 से, यहाँ पे लिख लेते हैं 1901 से अभी तक के, यहाँ पे 2019 तक कितने नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं यहाँ पर, 597। क्लियर, आपको सारे के सारे याद नहीं रखने, सिर्फ आप इस अमाउंट को याद रखें कितने मिल चुके हैं अभी तक, 597। ठीक है, और अभी 2020 की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, 2020 की अनाउंसमेंट होगी यहाँ पे अक्टूबर में। ठीक है, मैंने अक्टूबर में बताया था क्योंकि अक्टूबर में इनका यहाँ पे बॉर्न हुआ था। क्लियर, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर, चलो हम एक जगह आगे भी पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, इसको आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ पे कुछ साल ऐसे हैं जब यहाँ पे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया, कौन कौन से हैं, टोटल 49 टाइम्स हैं अभी तक का जो वहाँ पे ये नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। कौन कौन से यहाँ पर, वर्ल्ड वॉर वन, जहाँ पे 1914 से 1918 तक यहाँ पर इनको प्राइज़ बिल्कुल ही नहीं दिया गया किसी को, क्योंकि लड़ाई हो रही थी वहाँ पे। ठीक है, वॉर चल रही है, तो आप इसको भी याद रखना कब कब वॉर हुई थी, इसका टाइम जोन आपको याद होना चाहिए। दूसरी वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, 39 से 45, तो इसको भी आप प्रॉपरली याद करेंगे, दोनों की दोनों वर्ल्ड वॉर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कहाँ कहाँ पे हुई थी, किसका रीजन हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था, बेसिक से हाई लेवल सारा कुछ मैं बताऊँगा हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। ठीक है,
और यहाँ पे आपको मैं यहाँ पर प्रॉपर इनके बारे में बता देता हूँ किन किन यहाँ पर फील्ड के अंदर आपके पास जो है ये प्राइस नहीं दिया गया, ठीक है। तो उनमें से पहली बात, तो ये वाले ईयर तो अपने आप ही आएंगे, आप चेक कर लो, ठीक है। ये वाले ईयर तो अपने आप ही आ रहेंगे, इनके अंदर तो नहीं मिला, ठीक है, इनके अंदर तो नहीं मिला। इसके अलावा कुछ और ईयर और भी है, जैसे यहाँ पे 1972 के अंदर पीस प्राइस नहीं मिला, 67 के अंदर नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं मिला ये पीस प्राइस? क्योंकि जिनको पीस प्राइस मिलता था, या तो वहाँ पर उन किसी न किसी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, या फिर क्या होता था, अरेस्ट करने के बाद या फिर क्या होता था, वो फेक भी बोला जाता था कि इन्होंने सिर्फ नोबेल प्राइज़ के लिए ही यहाँ पर ऐसा कुछ किया है, नॉट फॉर पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, ये वो कंट्री, ठीक है। तो इसके लिए वो रद्द भी हो जाते थे नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो कितनी बार हुआ है इसमें आप टोटल यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, पेपर के अंदर ये नहीं आएगा कितनी बार ऐसा हुआ, पेपर के अंदर यही पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइम्स, 49 टाइम्स, क्लियर। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें यहाँ पर मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो प्राइस है, प्राइस कितना होगा 2018 में, 9 मिलियन पर फुल नॉर्मल प्राइस। अगर यहाँ पे 2% है तो इसका हाफ हो जाएगा 4.5 मिलियन, ठीक है, 4.5 मिलियन। अगर यहाँ पे 3% को नॉर्मल प्राइस मिला, 1, 2, 3, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 मिलियन। तो सबसे मैक्सिमम एक जैसे नोबेल प्राइज़ है, जैसे फिजिक्स के अंदर हमने प्रोवाइड करवाना है नोबेल प्राइज़, तो मैक्सिमम कितने पर्सनों या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यहाँ पे इसको सेपरेट सेपरेट करके दे सकते हैं, मैक्सिमम इज 3 टाइम्स, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी टाइम्स यहाँ पे हो सकते हैं मैक्सिमम, 3 बंदों को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है। और यहाँ पर 9 मिलियन रुपीज़ नहीं है, 9 मिलियन यहाँ पे स्वीडिश क्रोनर है, जो कि ऐसी के, अगर मैं इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो ये 8 पॉइंट समथिंग रुपीज़ बनते हैं, ठीक है, 8 के आसपास रुपीज़ होंगे अगर इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग जाकर आप चेक करोगे, क्लियर। तो ये अमाउंट काफ़ी अच्छी बन जाती है, आप इसको भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पीस प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो कि यहाँ पर स्कॉटलैंड में नहीं मिलता, जो कि स्वीडन में है, ये प्राइस आपके पास ऑस्लो में मिलता है, जो कि यहाँ पे अभी नॉर्वे है, और किसकी प्रेजेंस में मिलता है, किंग ऑफ नॉर्वे, ठीक है, किंग ऑफ नॉर्वे मिलता है। कब मिलता है, 10 दिसंबर को, क्योंकि उस दिन डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है अल्फ्रेड नोबेल की। ये मैंने आपको सारी कहानी ऑलरेडी बता दी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ द फर्स्ट प्राइज ऑफ इकोनॉमी जो साइंस के अंदर मिला था, क्योंकि ये पैसा नहीं कि उसी टाइम स्टार्ट हो गया था, ये कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना 5 कैटेगरी 6 कैटेगरी इकोनॉमी है जो बाद में स्टार्ट हुई थी, ये 1967 में स्टार्ट हुआ था। कई बार कहाँ पर मिला, रेगनर फिंच को, और यहाँ पे रेगनर जो नाम होते हैं ना, ऐसे रेगनर नाम, ये रेगनर नाम नॉर्मली नॉर्वे के अंदर ही मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप जाके चेक करना, मोस्टली नाम आपको रेगनर ऐसे ऐसे मिलेंगे, क्योंकि इनका भी अपना इतिहास है, काफ़ी फेमस इनके किंग भी रहे हैं, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर दूसरे पर्सन है जैन, इनको भी यहाँ पर इनके साथ यहाँ पे इकोनॉमी अवार्ड मिला, ठीक है, फर्स्ट टाइम मिला यहाँ पे 1967, याद रखना, ये आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, ठीक है। पेपर के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, आपके किसी भी आपके एग्जाम के अंदर, गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर बात करें, चाहे वो क्यों भी एग्जाम हो, SSC का हो, FCAT का हो, CDS का हो, या फिर IAS का हो, तो सभी के अंदर ये अवार्ड दिए, अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट और देखते हैं, नोबेल प्राइज़ जो है ट्वाइस टाइम मिला है यहाँ पे मैरी क्यूरी को, ओनली वन वूमेन है जिनको 2 बार अवार्ड मिला है। यहाँ पे 1903 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था इनको फिजिक्स के अंदर, और 1911 के अंदर इनको केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ किन को मिला, ये हमारे इंटरेस्टिंग है, इसको आप याद रखना, ये फेमस है काफ़ी। पीस प्राइज़ 2014 मलाला यूसुफ़ी, 17 ईयर, ये बहुत फेमस हुए थे उस टाइम जब इनको ये प्राइज़ मिलने वाला था। और क्यों मिलने वाला था, एटलीस्ट आप इनके बारे में जरूर रिसर्च करें, क्योंकि इनकी स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड करेगी, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स को, क्लियर। और यहाँ पे ओल्डेस्ट एक पर्सन है जिनको अभी अभी नोबेल प्राइज़ मिला, कब मिला है, 2019 में, ठीक है, 2019 में मिला था, जॉन बी गॉडेनफ, जिनकी 97 ईयर्स एज है। तो आपसे ये पूछा जाएगा ओल्डेस्ट, तो आपका आंसर ये होगा, ठीक, किस फील्ड में मिला था, यहाँ पे केमिस्ट्री में मिला है, ठीक। यहाँ पर अगर नोबेल प्राइज फिजिक्स को बोलें तो फिजिक्स के अंदर ट्वाइस किन किन को मिला है, यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन है फिजिक्स के अंदर, उनको 2 बार अवार्ड मिला है, जॉन बार्टिन, 1956 1972। एक और हैं केमिस्ट्री के जिनको दो बार ये प्राइज मिला हुआ है, फ्रेडरिक सेंगर, 1958 1980, क्लियर। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जिनको अवार्ड यहाँ पे जो है 2 बार भी नहीं, 3 बार भी मिला हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको 4 पर्सन के बारे में बताया था, यहाँ पे जैन बार्डन के बारे में, मैरी क्यूरी के बारे में, ठीक है, पॉलिंग के बारे में, यहाँ पर पॉलिंग के बारे में नहीं बताया, पॉलिंग केमिस्ट्री के अंदर आपको मिला अवार्ड इनको 1954 में, और पीस के अंदर मिला 1962 में। और सेंगर के बारे में बताया जो केमिस्ट्री और 2 बार और फिजिक्स 2 बार मिला है, वो ये पर्सन है। और यहाँ पे ओनली एक ऐसे लेडी हैं जिनको यहाँ पे 2 बार अवार्ड मिला, ठीक है, और पॉलिंग भी है जिनको यहाँ पे 2 बार अवार्ड मिला है। और कुछ यहाँ पर जैसे ICRC, आप मुझे यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बताओगे, जिसको रेड लाइन जोन भी, रेड जोन भी बोला जाता है, ऐसे इनके नाम है डिफरेंट डिफरेंट,
तो आप उसका मुझे इसका फुल फॉर्म एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, इसको आप सर्च करेंगे, ठीक है। इनको 3 बार अवार्ड मिला है यहाँ पे पीस प्राइस के ऊपर, 1917, 1944, 1963, ठीक है। UNHCR को यहाँ पर बोला जा रहा है, इनको अवार्ड मिला 54 में और 81 में, दोनों बार पीस प्राइस, क्लियर। अब यहाँ पर आप चेक कर लेना रेड जोन कौन सा है, क्लियर। नेक्स्ट आपके एक और पॉइंट के ऊपर चलते हैं, हमारे पास इंटरेस्टिंग इस पॉइंट के ऊपर, इसको भी एक बार आप पढ़ें यहाँ। अब यहाँ पे इसका तो आपको जिक्र पता ही होगा, अगर किसी को नहीं पता इसका मतलब वो होता है कि जिनकी डेथ हो जाती है उसके बाद उनको अवार्ड मिलना, ठीक है, आफ्टर दी डेथ। तो 1974 से पहले पहले क्या होता था, अगर किसी को भी यहाँ पर अवार्ड मिल जाता है या उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी ये अवार्ड मिल जाता था नोबेल प्राइज। बट 1974 में इन्होंने बोला है, ऐसी अनाउंसमेंट की कि ऐसा नहीं किया जाएगा आगे से, जो यहाँ पे जिंदे होंगे, जिंदा होंगे उन्हीं को अवार्ड मिलेगा, मरने के बाद कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1974 से 2 बार पहले ऐसा हुआ है कि एक तो 1961 में नोबेल प्राइज मिला है, इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये दूसरे पर्सन है 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला है, इनको पीस प्राइज और इनको लिटरेचर प्राइज यहाँ पे मिला है, और इनका नाम और यहाँ पे ईयर आपके लिए याद होगा, ये दोनों अवार्ड हैं जिनको मरने के बाद अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। बट इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ 2011 के अंदर, जहाँ पर एक पर्सन थे उनको यहाँ पे अवार्ड दे दिया गया है, अनाउंसमेंट हो चुकी है अक्टूबर में, बट जब उनको अवार्ड मिलने वाला था उससे 3 दिन पहले इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और इनको अवार्ड मिलने वाला था मेडिसिन के लिए, तो आपने याद रखना है आफ्टर 1974 एक बार और भी हुआ था, बट इनको अवार्ड दिया नहीं उस टाइम, इसकी जो प्राइस था उसको यहाँ पे सेपरेट सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। इसकी एक अलग कहानी है, तो उसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं, क्लियर। अभी बात करते हैं 2019 के नोबेल प्राइज़ की, 2019 के अंदर किन किन को नोबेल प्राइज़ मिला है, तो मेडिसिन के अंदर मिला है यहाँ पर, आप याद रखना है, इनके बहुत से लॉजिक आपको यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर मिल जाएंगे, हाउ टू रिमेंबर दिस नेम, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इनका नाम आपके लिए जरूरी है हो जाता है, ये 2 पर्सन जो थे यूएसए से थे और एक थे ब्रिटेनियर के, ठीक है। इन तीनों को यहाँ पर अवार्ड मिला है मेडिसिन के अंदर, और यहाँ पर इन्होंने रिसर्च किया था हॉस सेल सेंस, कि कोई भी सेल जो है वो सेंस कैसे करता है ऑक्सीजन के बारे में, कैसे उसकी अवेलेबिलिटी होती है और कैसे उससे हम कैंसर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी यहाँ पर अच्छी इन्होंने इनोवेशन की है। केमिस्ट्री के अंदर इनोवेशन किया यहाँ पर इन्होंने, जिसको यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट बोला जा रहा है, 97 ईयर ओल्डर, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर इन तीनों को यहाँ पर अवार्ड मिला है, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में नाम याद करने ने आपने प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिजिक्स के अंदर यहाँ पे इनको मिला है अवार्ड, जिन्होंने यहाँ पे अभी डिस्कवरी के बारे में बताया एक थ्योरेटिकल, कि यूनिवर्सल ऐसे बना हो सकता है आफ्टर बिग बैंग थ्योरी, क्लियर। और किन किन को यहाँ पे अवार्ड मिला है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिटरेचर के लिए यहाँ पे पॉलिश ऑथर मिला है अवार्ड इनको यहाँ पे, ठीक है। इनके लिए आपके लिए नाम जरूरी हो जाते हैं 2 पर्सन के साथ ही साथ। पीस प्राइज के लिए यहाँ पे पीस प्राइज अवार्ड मिला है, तो इनका नाम आपके लिए जरूरी हो जाता है। ये प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने क्या किया, एक कंट्री है उसके आसपास का जो डिस्प्यूटेड एरिया था वहाँ पर लड़ाई चलती आ रही है और लगातार 20 साल से चल रही है, तो इन्होंने 20 साल की वो लड़ाई को सिर्फ 1 दिन में ख़त्म करवा दिया वहाँ पर जाके, तो इनकी वजह से इनको पीस प्राइज अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ एक इकॉनमी अवार्ड है, इनको इकॉनमी अवार्ड मिला है, इंडियन अमेरिकन अभिजीत बैनर्जी, क्लियर। इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है JNU, वहाँ से इन्होंने स्टडी की है और इनको इकोनॉमिस्ट अवार्ड मिला, ठीक है। और बाकी इनकी यहाँ पे स्टडी आप पढ़ सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है ग्लोबल पॉवर्टी के लिए, क्लियर। आई होप आपको ये वाली कहानियाँ समझ आ रही हैं और प्रॉपरली इनके नाम याद रखने हैं। अब आती है कहानी यहाँ पर नोबेल प्राइज़ जो ऐसे पर्सन है जो विनर है इंडिया से, तो पहले विनर कौन थे, सबको वैसे ही नाम याद होगा बट अगर नहीं याद तो याद कर लो, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको यहाँ पे लिटरेचरी अवार्ड मिला 1930 में, ठीक है। सीवी रमन को मिला यहाँ पे फिजिक्स के अंदर प्राइस 1930 में। इनकी डिस्कवरी क्या है वो आप एक बार खुद सर्च करेंगे, ठीक है। मदर टेरेसा को अवार्ड मिला यहाँ पे 1979 में, और साथ ही साथ 4th नंबर अमृता सेन को अवार्ड मिला यहाँ पे इकोनॉमी साइंस के अंदर, ठीक है। इनके ईयर याद करने इतने पॉइंटेस नहीं है, आपको ये याद रखना है किस फील्ड के अंदर अवार्ड मिला है और क्या इनकी डिस्कवरी है, ठीक है। कैलाश को यहाँ पे अवार्ड मिला है यहाँ पे पीस प्राइज अवार्ड 2014 का, क्लियर। और अभी सबसे अगर फर्स्ट बोला जाए तो फर्स्ट कौन है यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर, क्लियर। और 6 नंबर अवार्ड मिला है यहाँ पे अभिजीत बैनर्जी, जो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हैं, ये अभी सबसे लास्ट वाले हैं, ठीक है। अब कुछ पर्सन ऐसे भी है जो इंडियन ओरिजिन से अभी नहीं है, ठीक है, बॉर्न टू इंडिया है बट उनको अवार्ड मिल चुका है और सिर्फ लिटरेसी के बारे में, ठीक है। तो इनका नाम आपके लिए जरूरी है, इंडियन बॉर्न ही है, उनका नाम आपके लिए यहाँ पर जरूरी हो जाएगा, हरगोविंद है, जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला है यहाँ पे मेडिसिन में 1968 में। और बाकी 2 अवार्ड और मिले हैं तो इनको भी आप प्रॉपरली याद कर सकते हैं, क्लियर। और बाकी आई होप आपको यहाँ पर सारी कहानी समझ आ चुकी होगी, अगर कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के अंदर आपको प्रॉपरली बताया जाएगा सारा कुछ कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए। टेलीग्राम में ऊपर जाके सर्च करो बलविंदर लाइव,
बलविंदर लाइव आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जाके आप मेरी आपकी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बाकी सारा अपडेटेड आपको मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड होगा। मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियो आती है तो सबसे पहले वहाँ पे पोस्ट होगी, ठीक है? तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक करें और शेयर करें और ज्वाइन करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।